हेलो दो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम खेल रहे हैं ट्रेन सिमुलेटर 3। और आज के नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम EMU चलाएंगे, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और देखते हैं आज कौन सा रूट मिला है ड्यूटी के लिए। ट्रेन आ चुकी है, देखते हैं शायद कपलिंग करने के दो ट्रेन को एक में कन्वर्ट करके पैसेंजर ट्रेन चलानी है। तो अभी यहाँ पे हमको वेट करने बोला है, वेटर फॉर द सेकेंड ट्रेन टू अराइवल एंड कपल टू, मतलब हमको अभी सेकेंड ट्रेन के लिए भी वेट करना पड़ेगा। देखते अभी सेकेंड ट्रेन कितने टाइम में आती है। और ये सामने की तरफ ये बुलेट ट्रेन आ चुकी है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रेन है, ट्रेन का कलर भी बहुत अच्छा है। क्या हमारे ट्रेन कितने बजे आएंगे, कितना वेट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे सिर्फ वेट करने का है कि कपलिंग, शायद ट्रेन आ चुकी है, सामने की तरफ से दिख रही है। हाँ, ट्रेन आ चुकी है। अभी मेरे को कपल करने का है कि ऑटोमेटिक कपलिंग हो जाएगा, अभी शायद ऑटोमेटिक कपलिंग है। चलो देखते हैं, ऑटोमेटिक कपलिंग हुआ तो बहुत अच्छा है। अभी ट्रेन आके रुकी हुई है। अच्छा, पैसेंजर्स के लिए डोर ओपन हो चुके हैं, मतलब यहाँ से पैसेंजर्स को मतलब लेंगे, फिर बाद में कपलिंग करना है, उससे अच्छा पहले कपलिंग कर लेते। क्या बता, रूल्स आर रूल्स। और कितना टाइम लगेगा कपलिंग करने को। हाँ, स्टार्ट हो चुका है कपलिंग का, ट्रेन आ चुकी है। और ये अभी बस हो ही गया। हाय, अरे भाई कपलिंग देख, उधर किधर देख रहा है। हाँ, कपलिंग देखते। और ये कपलिंग हो चुका है, फाइनल कपलिंग हो चुका है, लेट चेक इट। हाँ, प्रॉपर हो चुका है। तो चलो हम चलते हैं अभी कहाँ से ड्राइव करने का, यहाँ से क्या आगे से। और कितना बैठा, ओके। हाँ, डायरेक्शन मिल चुका है, उसी की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी लंबी हो गई है ट्रेन। और हम कैबिन में आज कैबिन की तरफ आ चुके हैं ट्रेन के स्टार्टिंग में। और ये ओपन द डोर, ओपन हो गया। चलो सीट पे बैठ जाते हैं। और ये मास्टर की ऑन, और ये हम न्यूट्रल पे रखेंगे इसको, न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल पे रख चुके हैं। और पैसेंजर लोड हो रहे, सामान थोड़े है, पैसेंजर लोड हो रहे। और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक पैसेंजर बोर्डिंग नहीं होते तब तक। और यहाँ पे हमें डोर लॉक करने बोला है, चलो डोर लॉक करते हैं। भाई डोर लॉक कर। ओके, ब्रेक ऑफ, थ्रॉटल आइडल पे रखा है। रेडी टू द डिपार्चर। ओके, पावर अप्लाई। शायद कुछ तो मिस्टेक हो रही है, कुछ तो स्विच ऑन है या फिर ऑफ करना है, शायद देखना पड़ेगा। बाहर से डोर क्लोज है, पैसेंजर डोर क्लोज है। एक मिनट, मैं भी शायद मेरा खुद का डोर, अरे यार मतलब पूरा ऑटोमेटिक है यार, एक भी अगर डोर ओपन रहा तो ट्रेन प्रोसीड नहीं होगी। अभी हम प्रोसीड करते हैं फुल थ्रॉटल के साथ। अच्छा, मतलब डोर लॉक अनलॉक नहीं होता अभी अगर ट्रेन प्रोसीड हो
डिपार्चर हो चुकी है। तो और अब हम यहाँ से डिपार्चर हो चुके हैं यार। अच्छा है, कैबिन व्यू तो बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है पर ठीक है। और ये हमारी ट्रेन शानदार है, ये तो कलर भी अच्छा है और आजू बाजू के व्यूज भी बहुत सीनेरो, वन ऑफ द बेस्ट सीनेरो है। और आप ट्रेन का भी साउंड एंजॉय करो। और अब हम स्टेशन पे पहुंचने ही वाले हैं चौटल आइडल। ओके 81 माइल पर आवर, ठीक है चलो देखते हैं ऑन टाइम या फिर डिले। मेरे को तो लगता है आज भी डिले है ट्रेन। लेट्स डू इट। अरे 700 यार्ड्स, 500, 600 यार्ड्स, अप्लाई द ब्रेक। ब्रेक तो फुल अप्लाई कर चुके हैं ऑन अलर्टनेस के लिए। और ये प्लेटफॉर्म आ चुका है भाई। ट्रेन रुक जा रुक जा, इमरजेंसी ब्रेक गलती से यार। नहीं यार इधर अभी ये ब्रेक प्रेशर अगर रिलीज नहीं होगा तब तक ट्रेन अब बीच में रुके। वाह क्या बात है, आज नए रूट पर पहले ही दिन ये सब। चलो उसे ब्रेक रिलीज, पूरा प्रेशर सेटअप नहीं होता तब तक ट्रेन मूव नहीं करेगी। अभी हो चुकी है मूव। अरे एक बार अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हो तो तब तक ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर रेडी नहीं होता तब तक ट्रेन मूव नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक लॉक हो चुके हैं। और ये हम प्लेटफॉर्म टॉप पर ले चुके हैं। ओपन द डोर, बोर्डिंग द पैसेंजर और फिर लोड द पैसेंजर। थोड़ा टाइम है, नहीं लेट हो चुके हैं हम, कुछ 5 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स लेट। ऑलमोस्ट पैसेंजर चढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं डोर लॉक करता हूँ और तुरंत डिपार्चर। ये अभी यहाँ पे हॉर्न डिपार्चर वाला काफ़ी शानदार हॉर्न है यार इसका। चलो भाई प्रोसेस फुल थ्रॉटल के साथ, फुल लोकल ट्रेन जैसा साउंड आ रहा है इसका तो। चलो फाइनल। और नेक्स्ट स्टेशन 5.6 माइल, 10:18:15 टाइमिंग है। 10:18:15 व्हाट अ टाइमिंग। चलो देखते हैं इधर भी डिले होता है क्या ऑन टाइम। चलो बाहर का भी, बाहर से ज़रा देखते हैं ट्रेन का मोमेंट। पर मेरे को तो लगता है कि थोड़ा मतलब कैबिन व्यू बहुत अच्छा आता है इसमें से। कोई भी ट्रेन गेम खेलो इसमें कैबिन व्यू बहुत अच्छा रहता है। हाँ शायद किसी को बोर होता होगा बट मेरे को नहीं लगता कि ये व्यू से कोई बेटर व्यू रहेगा ट्रेन सिमुलेटर में, कौन सा भी ट्रेन सिमुलेटर। और थोड़ा सा स्किप करके चलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर गेम प्ले। वैसे पीछे से गार्ड का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है हम प्रॉपर सिटी में नहीं गया, मतलब हम प्रॉपर सिटी में जाने वाले हैं। ये थोड़ा मतलब गांव टाइप लग, गांव जैसा थोड़ा बहुत है तो हमें सिटी तक जाने का रहेगा शायद। कितना स्टेशन दूर है अभी तक पता नहीं, कितना मतलब कितना स्टेशन पे रुक रुक के जाना पड़ेगा। मे भी शायद 4 या फिर 5, मे भी शायद 5 रहेगा, देखते हैं।
जहाँ से हम डिपार्चर हो गए थे एकदम स्टार्टिंग वाला अगर प्लेटफॉर्म काउंट करेंगे तो यह अभी तीसरा या फिर दूसरा होगा। इधर सामने से भी सेम ट्रेन क्रॉस हो रही है, वाह। और ये मेन लाइन से हम स्टेशन स्किप करते हुए चलो अब हम प्लेटफॉर्म पे स्टेशन आने ही वाले हैं। अभी हमारा थोड़ा गाड़ी कंट्रोल करते हैं भाई। 900 यार्ड, 800 यार्ड, ओके होल्ड ब्रेक। ये कंट्रोल बहुत सॉर्टेड है, एक ही इसमें एक्सीलेटर का दिया, एक ही इसमें ब्रेक का दिया, एक ही इसमें इमरजेंसी का दिया। मतलब ज़्यादा इधर उधर टेंशन की बात नहीं है ड्राइवर को। भाई रुक जाओ भाई, इसमें भी अभी भी स्टेशन पे रुक जाएगा। नहीं प्रॉपर हॉल्ट लो यार, ब्रेक अप्लाई करते हुए यार इस बार प्रॉपर रुकेगी ट्रेन। अरे भाई पहले ही रुक जा रहा है ट्रेन, पीछे आधी पता चला आधा ट्रेन आउट ऑफ स्टेशन, पीछे से देखना पड़ेगा। हाँ प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे पूरी ट्रेन आ चुकी है। यहाँ पे कितना मिनट लेट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन टाइम पे पहुँच गए। यहाँ पे अभी हम लोग का डिपार्चर टाइम हो रहा है, पर ठीक है हम अराइवल कर चुके हैं अभी। जब तक पैसेंजर्स चढ़ रहे तब तक वेट करना पड़ेगा। यार ये जो ट्रेन रहते हैं शॉर्ट शॉर्ट स्टेशन पे रुक रुक के जाना पड़ता है यार, अगर इसमें एक दो मिनट अगर वेस्ट हो गए तो कितना प्रॉब्लम, मतलब टाइम कवर करने में कितना प्रेशर आता होगा ड्राइवर को। पर उनका रेगुलर काम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम डिपार्चर हो चुके हैं यहाँ से भी, और ये हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है, ऑलमोस्ट 4 मिनट है नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँचने के लिए। चलो देखते इस बार भी लेट होता है कि ऑन टाइम। ये तो ऑन टाइम जाएगा शायद, 2.8 माइल ना ऑन टाइम होगा, ऑलमोस्ट ऑन टाइम या फिर 1 मिनट डिले, सॉरी 1 मिनट बिफोर। ओके अभी हम प्रॉपर सिटी साइड में आ चुके हैं लगता है। हम जब स्टार्ट किया था ये ट्रेन से तब कुछ थोड़ा मतलब विलेज टाइप था, अभी हम प्रॉपर सिटी में आ चुके हैं, सॉरी प्रॉपर सिटी में, मे बी शायद सिटी होगी प्रॉपर। वैसे आपको एक कैमरा एंगल अलग अलग टाइप में कैसा अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, बट मेरे को स्पेशली बताओ तो कैबिन व्यू बहुत अच्छा लगता है। वैसे यहाँ पे 77 माइल पर आवर, नेक्स्ट स्पीड लिमिट है 60, ये भी नहीं रहेगा शायद 1.1 स्टेशन का चालू होने से पहले आ गए। स्टेशन बहुत जल्दी आ गए यार, और ये हम स्टेशन, ये शायद कोई बड़ा जंक्शन है, साइड में लूप लाइन पे ट्रेन्स खड़ी है, या फिर जंक्शन हो सकता है या फिर टर्मिनल। जहाँ पे टर्मिनल और जंक्शन रहता है वहाँ पे ये यार्ड्स रहते ही है। ओके 50 माइल पर आवर, अप्लाई द ब्रेक। ओह क्या शानदार व्यू है, प्रॉपर शानदार। और हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ओहो ये है वो फिर से बुलेट ट्रेन, और यहाँ पे 2 ट्रेन खड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड पे यही सेम ट्रेन खड़ी है
इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और साइड में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन खड़ी है राइट हैंड साइड। और ये हम ऑलमोस्ट 1 मिनट 40 सेकेंड्स बिफोर बोल सकते हैं। यार इस बार अच्छा हुआ, जो टाइम वेस्ट किया था वो सब टाइम कवर हो चुका है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, एक साइड बुलेट ट्रेन, एक साइड हमारी ट्रेन और एक साइड दूसरी ट्रेन। अगर ये बुलेट ट्रेन और मेट्रो हमारे ट्रेन के बीच में और एक प्लेटफॉर्म होता तो और भी व्यू बहुत अच्छा आता था, बट कोई बात नहीं, चलता है। और ये हमें शायद 30 सेकेंड्स रुकना पड़ेगा, 30 या 35 सेकेंड्स रुकना तो पड़ेगा। वेट करते हैं। चलो ऑलमोस्ट टाइम होने को आया है तो हम डोर लॉक कर देते हैं। यार ये साइड वाले बुलेट ट्रेन कब निकलेंगे? ऑलमोस्ट पैरलर पे ही रुके हैं, अगर गार्ड साइड के भी देखेंगे तो। चलो हम भी डिपार्चर हो चुके हैं, नेक्स्ट 1.4 माइल, मतलब प्रॉपर सिटी में हैं हम लोग। इसके लिए शॉर्ट डिस्टेंस पे प्लेटफॉर्म है। वैसे इधर के प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये नया रूट तो पूरा खेलते पता चलेगा कि आगे कौन कौन सा ट्रेन मिलेगा अपने को, कौन कौन सा ट्रेन मिलने वाला है। शायद बुलेट ट्रेन तो है ये रूट पे, 2 बुलेट ट्रेन है और 2 बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट 2 मिले हैं। और ये रूट है साउथर्न ईस्ट रूट। चलो देखते हैं ये रूट पे कितने अच्छे अच्छे सीनरी और देखने को मिलेगा। ये हम टनल क्रॉस, शायद ये टनल के बाद ही प्लेटफॉर्म है। ब्रेक अप्लाई, ओहो और लिमिटेड हो चुका है ट्रेन की स्पीड। अप्लाई द ब्रेक, ओहो ब्रिज बहुत अच्छा है यार, ये ब्रिज तो बहुत सही में बहुत अच्छा है। सिटी के बीचों बीच से ट्रेन चलते हुए क्या बात है। वैसे यहाँ पर ट्रेन का ट्रैफिक बहुत कम रहता है, हार्डली रेयर मिलेगा कि हाँ बाबा एक ट्रेन के पीछे और एक ट्रेन खड़ी है अनदर सिग्नल्स पे। और ये फिर से हम ट्रेन की लिमिट कुछ ज़्यादा ही क्रॉस कर रहे, स्पीड लिमिट, और ये फिर से टनल आ गया। और अभी भी 2 मिनट बचे हैं और ऑलमोस्ट बिफोर टाइम गाड़ी लाया है, क्या बात है। और कितना, शायद 3 या 4 स्टॉप हो चुके हैं हमारे, मैं भी शायद और 1 या फिर 2 रहेगा स्टॉप, फिर हमारी ड्यूटी ख़त्म। उससे पहले इतना जो ड्यूटी बचा है वो तो पूरा कर लें। रुक जाओ, ऑलमोस्ट रुक जाओ, रुक जा, रुक गए। ओके तब तक हम डोर अनलॉक करते हैं। अरे ऑलमोस्ट पैरलर पे खड़ी है इस बाजू वाली ट्रेन से, हम लोग ऑलमोस्ट सिर्फ 1 या फिर 2, 2-3 इंचेस का फर्क रहेगा। ऑलमोस्ट यार, ऑलमोस्ट। वैसे यार इधर स्टेशन के बाहर पार्किंग के लिए भी अच्छी जगह दी है, क्या बात है। लॉक द डोर, नहीं रे 45 सेकेंड्स वेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट पैरेलल स्टॉपेज है यार, मेरे साथ बहुत काम होता है कि अगर मैंने ट्रेन रुकी है तो बाजू वाली ट्रेन भी ऑलमोस्ट उतना ही, मतलब सेम मतलब इस पर स्टॉपेज रहेगा उसका भी।
देखते हैं। बट यार बाकी ट्रेन सिमुलेटर से तो ये बहुत डिफरेंट है ट्रेन सिमुलेटर, क्योंकि इसमें पब्लिक को भी बताया हुआ है कि, और पब्लिक चढ़ती भी है ट्रेन में, ऐसे नहीं कि नहीं, ऐसे ओनली प्लेटफॉर्म पे घूमते, ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं। ऑब्वियसली करेंगे यार, क्यों नहीं। चलो डिपार्चर करते हैं अभी यहाँ से हम ऑन टाइम। और ये नेक्स्ट स्टेशन 1 माइल भी नहीं है प्रॉपर, 0.9 माइल, मतलब 2 मिनट में नेक्स्ट स्टॉप है यार। वॉट अ व्यू यार, वॉट अ व्यू। वैसे 2 इन 1 ट्रेन कैसा लग रहा है आपको, मतलब दोनों एक दोनों इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को दो को एक कर दिया। मोस्टली मैं सब जगह देखा है EMU को ऑलमोस्ट 2 इन 1 ही करते हैं, मतलब 2 इन 1 ही रहता है वो, बिकॉज ऑफ द पावर के लिए। डबल येल्लो मतलब आ चुका है प्लेटफॉर्म, आ चुका क्या, आ गया आ गया। ये शायद लास्ट स्टॉप रहे या फिर इसका, नहीं ये प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म तो और थोड़ा दूर ही है, बंद पड़ा हुआ स्टेशन बोल सकते, बंद पड़ा हुआ। राइट हैंड साइड पे तो बहुत अच्छे व्यूज है। और ये स्टेशन 600 यार्ड है, और ब्रेक अप्लाई करते हुए और रेड सिग्नल का भी मतलब आ चुका है, तो प्लेटफॉर्म भी आ गया, ऐसे नहीं, नहीं ये प्लेटफॉर्म भी आ चुका है। चलो देखते हैं यहाँ पे भी परफेक्ट स्टॉपेज हम लेते हैं या नहीं, या फिर रह सकते हैं। भाई रुक जा, यहाँ पे सीधा प्लेटफॉर्म ख़त्म होने को आ गया। भाई रुक 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 रुक, होल्ड रिलीज, ब्रेक ऑफ, अप्लाई द फुल ब्रेक, अप्लाई कर भाई फुल ब्रेक। भाई 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 रुक गई, रुक गई। और ये क्या, तुरंत चालू होते ही ख़त्म, 1 मिनट रुकना पड़ेगा प्रॉपर, 1 मिनट। ये लास्ट स्टॉप होना चाहिए यार मेरे ख्याल से, तो ये लास्ट स्टॉप होना चाहिए, बट क्योंकि अभी 1 मिनट और रुकना बोला है तो रुकते हैं, देखते हैं। और ये क्या, ऑलमोस्ट कट टू कट प्लेटफॉर्म, क्या स्टॉप है भाई यार, इस पे तो अवार्ड मिलना चाहिए, इतना परफेक्ट स्टॉप तो कोई लेते हैं। बट मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हो चुका है, मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम इतना परफेक्ट हॉल्ट लिया है, क्या बात है। कट टू कट प्लेटफॉर्म इस लाइन पे, क्या बात है यार। 1 मिनट हो गया क्या, होने को आया है। ठीक है, हम डोर लॉक करने की प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं यहीं पर। और ये क्या, ट्रेन को शट डाउन करने बोला है, मतलब हाँ ये लास्ट स्टॉप है, ट्रेन को शट डाउन करते हैं। आई होप पैसेंजर सब उतर गए हो गए। अरे मास्टर की ऑफ, न्यूट्रल ऑफ, मास्टर की ऑफ रखना पड़ता है। अरे मैं थोड़ा ब्रेक अप्लाई करके रखता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गेम प्ले गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।